यहाँ पर आकर आप कांग्रेस का काम करते हैं, वोट कांग्रेस को देते हैं, वहां गोंडवाना से लड़ते हैं, गोंडवाना से लड़के जैसा तभी ने बताया कांग्रेस में वोट शिफ्ट करते हैं। कल भी अपनी बात में बोला कि 100 ईवीएम मशीन पेटी बदली गई, या तो अब प्रशासन से भी हम मांग करेंगे कि इन पर अपराध दर्ज किया जाए, क्योंकि जनमत का ये कहीं ना कहीं अपमान है, जो अपमान इन्होंने 2013 में भी किया था लगातार करते आए, और ये अपनी हार के कारण ईवीएम मशीन की अदला बदली और दुनिया भर के झूठे आरोप लगा के इस तरह से करते हैं, और ये कहीं ना कहीं उन मतदाताओं का अपमान करते हैं जो निष्पक्ष हुए मतदान में अपना मत का प्रयोग करते हैं। आज हम हमारी हार हुई, हमने हार को, हम जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं, हम उसका निरादर नहीं कर रहे हैं, हम उसका आदर कर रहे हैं, तो ऐसा ही उन्हें भी करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने 100 ईवीएम पेटी बदलने का जो आरोप लगाया था, अब उसको वो सिद्ध करके बताएं और कौन सी विधानसभा में उसका प्रभाव आया ये वो बताएं, और जिला प्रशासन से हम मांग करेंगे कि ऐसे लोगों पर अपराध दर्ज करा जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की कभी बयानबाजी करके आम जनों को भ्रमित ना किया जाए, क्योंकि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में खास तौर से 2013 के चुनाव परिणामों को लेकर भारी भ्रम फैलाया गया, और भ्रमित होकर मतदाता ने कहीं ना कहीं आक्रोश में भी हमारे खिलाफ वोट किया, और आज फिर वही, अगर ये चुनाव में हार देख लेते तो कहीं ना कहीं वही डाक मतपत्र और ईवीएम पे आरोप जड़ देते, लेकिन अब जीतने के बाद ये कह रहे हैं कि हमको जनता ने जिता दी। तो ये इस बात का जवाब कहीं ना कहीं कंकर मुंजारे जी को, अनुभव मुंजारे जी को देना चाहिए, आम जनों के बीच में देना चाहिए, हमें नहीं, जिनका ये अपमान करते हैं उन्हें देना चाहिए, और जनादेश का जैसे हम सम्मान करते हैं इन्हें भी जनादेश का सम्मान करना चाहिए, और इस तरह से भ्रम और झूठ नहीं फैलाना चाहिए, और जिस तरह से इन्होंने मिलकर आम जनों को ठगा है, ऐसा कम से कम राजनीतिक परिदृश्य में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आकर आप कांग्रेस का काम करते हैं, वोट कांग्रेस को देते हैं, वहाँ गोंडवाना से लड़ते हैं, गोंडवाना से लड़के जैसा तभी ने बताया कांग्रेस में वोट शिफ्ट करते हैं, तो ये ऐसी परंपरा हमारे यहाँ की नहीं रही है। लेकिन सुनियोजित तरीके से कांग्रेस ने जिस तरह से हमें यहाँ घेरा और इस तरह के षड्यंत्र रचे, शायद हम इसे समझ नहीं पाए, और बहुत ज़्यादा नकारात्मकता कांग्रेस के द्वारा फैलाई गई, इसमें एक हिस्सा मैं बोलूँगा जो विशाल बिसेन निर्दलीय लड़े, इसमें मैं ये बात मानता हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के षड्यंत्र का एक हिस्सा है, और आप देखेंगे आज नहीं तो कल फिर वो कांग्रेस में ही आपको दिखेंगे, क्योंकि उनके द्वारा पूरी नकारात्मकता फैलाने का काम पूरे क्षेत्र में किया गया, जिसका कहीं ना कहीं हमें नुकसान उठाना पड़ा। हमने उन बातों का, झूठी आधारहीन बातों का जवाब देना सही नहीं समझा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसका नुकसान हुआ। आज जिस तरह से कंकर मुंजारे ने, आपको एक बात बता दूं, भाऊ ने हमें बोला था कि ये सब बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है, मैं बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से हाई कोर्ट के केस में लोकायुक्त जांच के आदेश हुए, वहां पर आधारहीन आरोप प्रस्तुत किए थे कंकर मुंजारे जी ने भी, जो लोकायुक्त में जाकर ये प्रमाणित नहीं कर पाए, और वो लोकायुक्त जांच में भाऊ को क्लीन चिट मिली। इन्होंने अनेक आरोप जड़े थे, लेकिन कोई भी आरोप ये सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन हमने, क्योंकि हम जानते हैं कि भाऊ का जीवन कांच की तरह है, यहाँ बालाघाट के लोगों ने देखा है, तो हमने, भाऊ यही कहते थे कि किसी को बताने की जरूरत नहीं, लोग हमें जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये नकारात्मकता, चाहे उन्होंने बोध सिंह भगत के माध्यम से हो, या विशाल बिसेन के माध्यम से हो, वैभव बिसेन के माध्यम से हो, स्वयं भी नकारात्मकता जो हमारे खिलाफ फैलाई, वो हमारे को नुकसान दे गई, और उसका हम सही समय पे जवाब शायद नहीं दिए, उसका हमें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन हम जानते हैं हमारे नेता आदरणीय गौरी भाऊ की छवि साफ है, वो कहीं से भी जो इन्होंने आरोप लगाए, हम इन्हें चुनौती देते हैं कि ये प्रमाणित करके बताएं। अभी कल बोल रहे थे, अनेक बातें बोले, ये आधारहीन बात मंच से बोल देना और आम जनता को भ्रमित करना, ये ठीक नहीं है। कम से कम प्रामाणिकता के साथ आप लोगों को बात करनी चाहिए, और इसकी हम निंदा करते हैं, इस तरह की जो ये बयानबाजी करते हैं, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं।
और आने वाले समय में माकूल जवाब दिया जाएगा। और आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चूंकि हमने प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है तो उसका भी हमें उत्साह है, और निश्चित तौर पे जो हमारे नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के संकल्प और विकास कार्य हैं वो रुकने वाले नहीं हैं, वो निरंतर चलेंगे, चाहे रेलवे ओवरब्रिज सरेखा और गर्रा हो, या मेडिकल कॉलेज डोंगरिया का हो, या सर्राटी जलाशय का जीर्णोद्धार हो, या नहरों की होने वाली लाइनिंग कार्य हो, चाहे सीएम राइज स्कूल हो, ये सभी जो विकास के कार्य हैं वो रुकने नहीं दिए जाएंगे, भाऊ के नेतृत्व में ही निरंतर चलेंगे। और हम सब कार्यकर्ता भी हमारे नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के नेतृत्व में ही काम करेंगे, और किसी प्रकार के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं होगी, जनहित को भी हम ध्यान रखेंगे, और जनता ने जो जनादेश दिया है वो हमें शिरोधार्य। अब आप लोगों तक से वो एक प्रशासनिक समय की चूक, सिर्फ समय कम ज्यादा हुआ था, उनके एजेंट वहां थे और उनके एजेंट ने वहां वक्तव्य भी दिए, सबकत खान का अगर आपने वक्तव्य सुने होंगे, उन्होंने वो तो तत्कालीन उनको कन्विंस करा दिया नहीं, वक्तव्य दे दिया क्यों देना। अच्छा ये बताओ, सबकत खान जी कोई बच्चे तो है नहीं, उनको वक्तव्य क्यों देना। अगर मैंने कोई बात पर आपत्ति ली है मैं संतुष्ट होऊंगा जब ही तो उस पर वक्तव्य दूंगा ना, और पूरी प्रक्रिया तो साफ हो गई ना चुनाव में, अगर वहां कुछ गड़बड़ी होती तो आपके परिणाम में उसका प्रभाव दिखता। डाक मत पर सिर्फ समय की बात है कि डेढ़ घंटे पूरे नहीं, देखो उसका उसकी सजा भी निर्वाचन आयोग ने जिसको देना था दे दी, लेकिन उस पर जो भ्रम फैलाया गया कि मत पत्र बदल दी ये कर दिया है, गलत बात। ऐसा एक फोर्थ क्लास कर्मचारी भी चुनाव के समय किसी प्रकार के सहयोग करने की स्थिति में नहीं होता, ये हमने भी देखे और आप लोग भी सब करीब से देखते हैं और जानते हैं कि निर्वाचन की प्रक्रिया कितनी जटिल होती है और सबकी नौकरी दांव पे लगी होती है। सैनोदल अधिकारी भी उनका भतीजा का होना ये भी तो बहुत बड़ा। देखो अब बालाघाट जिले में सर्वाधिक पवार समाज के कर्मचारी हैं, तो ये उनका दोष नहीं है, ये उनके माता पिता की अच्छी शिक्षा का परिणाम है। आज अगर सर्वाधिक नौकरी में मध्य प्रदेश में कोई समाज का व्यक्ति है बालाघाट से, तो हमें गर्व की बात है कि वो पवार समाज के लोग, वो भतीजा नहीं लगता जो था। नहीं वो है ना, ऐसे अनेक लोग हैं। नहीं नहीं वो तो अनेक हाँ, तो रिलेशन बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो ड्यूटी पे थे, उसका रहना संशय रहा ना, भतीजा तो विशाल भी है, फिर उसका कांग्रेस ने कैसे उपयोग करी, वो तो सगा भतीजा, वो तो थोड़ा दूर का है। तहसीलदार निलंबन के बाद में तो उन्होंने कहा है कि वो जो है बीएलओ नहीं खुलवाए थे, औपचारिक चर्चा में ये बयान दिया कि मुझे मेरी बात सुनिए, अब यहाँ उस बात को ज्यादा चर्चा करना इसलिए कोई मतलब नहीं है क्योंकि परिणाम आ चुके हैं। परिणाम में अगर कोई परिवर्तन दिखता ट्रेंड में कि यहाँ के मतपत्रों में 2000 मतपत्रों में बीजेपी जीत गई और यहाँ 5 विधानसभा में कांग्रेस जीत गई, तब आप कह सकते थे कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है। लेकिन आप 6 विधानसभा का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, डाक मत पत्र में हम पीछे रहे, इस बात को कार्य प्रणाली की बात, हाँ तो उसका हम भी बोल रहे हैं ना, कार्य प्रणाली में उनसे चूक हुई, उसकी सजा निर्वाचन आयोग ने दी, उसकी सजा निर्वाचन आयोग ने दे दी बिल्कुल, लेकिन उसपे गड़बड़ी के जो आरोप लगाए गए वो गलत। बुड्ढा जी आपने एक आरोप लगाया पार्टी का वोट शिफ्ट हुआ है कहीं ना कहीं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? भाजपा में शिफ्ट हुआ गोंडवाना का वोट, भाजपा में जो शिफ्ट हुआ, देखिए आदिवासी समाज जो है भोला वाला समाज है और आदिवासी समाज का झुकाव भाजपा की तरफ था और भाजपा की तरफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासी सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए अनेकों योजनाओं का संचालन किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव था। परंतु मैं एक बात बड़े प्रामाणिकता से कहता हूँ कि आदिवासी समाज में बार बार इस भ्रम को फैलाने का प्रयास किया गया और आपने अक्सर इस बात को देखा होगा, सुना होगा कि आदिवासियों को हमेशा ये कहा जाता है कि आप हिंदू नहीं हो, आप हिंदू नहीं हो ये कहने का मूल कारण राजनीतिक है, धार्मिक नहीं है, और ऐसा कह के उनको एंटी भाजपा बनाने का प्रयास किया जाता है। ये तो बहुत सारा भाजपा जो आदिवासी नेता है वो भी बयान देते हैं, ये तो चाहे राजस्थान हो मध्य प्रदेश में भील कम्युनिटी, मैं वही कह रहा हूँ कि उनके बीच में देखिए आदिवासी समाज के बीच में भ्रम फैलाने का काम किया जाता है, क्योंकि ये समाज भोला भाला है इसलिए उनके बीच में भ्रम फैलाने का काम किया जाता है, और हर भ्रम जो है एक समय
काल के बाद टूटता है और आने वाले समय पर जो जो भी भ्रम फैलाने वाले लोग हैं उनको आदिवासी समाज जो है मुंह तोड़ जवाब देगा। गुड्डू भैया आपने बोला कि जाति विशेष वो विशेष समुदाय बोला हूँ जिनके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं जो भाजपा से दूर होते हैं हम उनसे उन्हें भाजपा से जोड़ना चाहते हैं। मैंने वार्ड नंबर 3, 9, 10 ये स्पष्ट किया है ना थे लेकिन हमारे खिलाफ जो नकारात्मकता लगातार फैलाई गई और फिर ऐसे कुछ कारण बनते गए जो हमको नुकसान दिए शुरुआत में ऐसी स्थिति थी। और देखिए हमारा वोट शेयर वोट परसेंटेज जो है 73,000 हमने 2013 में लिए थे उतने ही वोट हमने 18 में लिए तो जो परसेंटेज बढ़ा पोलिंग का उसके हिसाब से हमने 79-80 तक गए वो हमको और बढ़ाना था वो नहीं बढ़ पाया। हमारा मतदाता हमारे साथ खड़ा है हमारा मतदाता डगमगाया नहीं जो बालाघाट में विभाजन हर समय होता था वोटों का ध्रुवीकरण होता था वो नहीं हुआ वो भी एक बड़ा कारण है। और फिर मैंने जो बताया कि वो जो एक वर्ग विशेष है वो हमसे किस कारण से एकदम से दूर हुए जो कुछ मात्रा में पहले हमको वोट करते थे 2013 में हमने वो बूथ जीते वार्ड नंबर 3, 9, 10 के बूथ जीते लेकिन इस बार बहुत लंबे अंतराल से हमको वहाँ हारना पड़ा। नहीं देखिए यहाँ पे अगर विकास कारण होता तो सबसे ज्यादा भावने काम जो है बालाघाट शहर के वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 13 जो कांग्रेस के वार्ड हमारा रेलवे ओवरब्रिज निर्माणाधीन है कोई ये नहीं बोल सकता कि बनने वाला है आप खुद जाके देख सकते हैं बन रहा है गर्रा रेलवे ओवरब्रिज का काम चालू हो गया। तो कई बार ये होता है कि विकास को देखकर लोग वोट नहीं करते विकास को भूल जाते अगर विकास को देखकर करते हम वही बोल रहे हैं कि विकास को देखकर अगर वोट करते भाव से तो इस बार बराबर जो काम है अभी कहीं नहीं चला 1,000 करोड़ रुपए के कामों की स्वीकृति खाली बालाघाट शहर और आसपास की हुई अगर आप देखें लगभग 500 से 700 करोड़ का हमारा रेलवे ओवरब्रिज बनेगा लगभग 250 करोड़ रुपए के हमारे 250-300 करोड़ रुपए के रेलवे ओवरब्रिज और पुलिया बनेगी लेकिन उसके बाद भी उसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया वो अलग अलग कारण है तो वो जनादेश जो मिला है अब हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। आगे देखिए आने वाला जो 2024 का चुनाव है हर बूथ पे मोदी होगा उस बात को लेकर अब हमारी नई तैयारी है और निश्चित तौर पर हम आने वाले चुनाव में पुनः यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सांसद निर्वाचित करके दिल्ली भेजकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। क्या भाव इस बात कांग्रेस से? हमने उस बात को स्वीकार कर लिया और अब हम उन चीजों को कारण बताइए ना कहाँ है वह गलती कहाँ चूक हो गई अब उसकी समीक्षा होगी ना ये बालाघाट में और परसवाड़ा में देखा जाए। बताइए एमपी में प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिलना मोदी जी की गारंटी है या फिर शिवराज जी की लाडली बहना का फैक्टर मानते हैं आप? दोनों चीज बहुत सारे आधार हैं और इसलिए अब सरकार बनी है तो हम काम करेंगे चिंता की कोई बात नहीं है अभी टाइगर जिंदा है। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।